सत्ता में आने से पहले कांग्रेस और एनसीपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर खुलकर बात कर रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं वो भूल गई है। यही याद दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा में एक पोस्टर लेकर दो विधायक जो यहाँ पर पहुंचे, अबू आजमी साहब है और इसके अलावा रईस शेख साहब है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये याद दिलाने की क्या आवश्यकता? नहीं, अफसोस, मुझे अफसोस हो रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रख दिया है कांग्रेस और एनसीपी के लोगों ने। जब ये पावर में नहीं थे तो हर सेशन के अंदर हमारे साथ खड़े होकर के मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते थे। अब तो पावर में आ गए ना, अपने कर्म से कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो हमारे समाज के अंदर बहुत क्रोध है, गुस्सा है लोगों को कि भाई हम लोग जो है हमारे को सिर्फ वोट बैंक बना कर रखा गया है। हम डिमांड कर रहे हैं अजीत पवार साहब से और बाला साहब थोराट से और उद्धव ठाकरे साहब से कि आपको सरकार ठीक से चलाना है तो हर समाज के साथ इंसाफ कीजिए। और आपने कहा था मेरी सरकार सेकुलर है, तो सेकुलर खाली जबानी नहीं, आप मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। जब कोर्ट ने कह दिया तो तुरंत ये रिजर्वेशन लागू कीजिए। CANRC कई स्टेट 13 स्टेट के अंदर ये हो गया कि रेजुलेशन पास हो गया विधानसभा में कि यहाँ लागू नहीं होगी, महाराष्ट्र में भी रेजुलेशन आना चाहिए। आपसे सवाल ये कि आपने सेकुलर के मुद्दे पर ही सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन अगर ये आपके मुद्दे से भटक रही है सरकार, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार समर्थन बाहर निकल जाना चाहिए? देखिए, हमारे समर्थन सरकार गिरती भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक नहीं। अब ऐसा मैं अपनी पार्टी से बात करूंगा, लेकिन हम बीजेपी को, हम कहीं भी ऐसी बात मैसेज नहीं आना चाहिए कि हमारी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। सिर्फ इसी डर से हम लोग जो है इस पार्टी को, इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके वरिष्ठ कहे कि सरकार तो गिरने वाली नहीं है, आप अगर बाहर भी निकल गए, लेकिन अगर आपको आपका प्रोटेस्ट दर्ज कराना है, तो क्या आप ऐसा कदम उठाने पर? मेरे वरिष्ठ कहेंगे तो मैं एक दिन के अंदर हम सरकार से अपना पार्टी में उठा लेंगे। भाई, आप भी पहली बार चुनकर आए, आप सरकार का रुख कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आप लोगों की बातें सुनती है सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनती सरकार। एक बात बाहर करती है, दूसरी बात अंदर करती है। सरकार को अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स अगर दिखाना है तो सबसे पहले तो CANRC पे रेजोल्यूशन लाना चाहिए। और कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो वादा किया है कि 5% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को ऑन द लाइन ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट, उतना ही कह रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये है कि बाहर भाषणबाजी अलग है लेकिन अंदर काम अलग है, वो हम जनता को बताना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस तरह की भूमिका जो है वो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में आने के बाद देखने को मिली, और यही वजह है कि आज इन सरकार में शामिल पार्टियों का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी विधानसभा में प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।